हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर 5 शकुंतला। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अप टू हियर एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर ओनली। सो लेट गेट स्टार्ट। द कर्स ऑफ दुर्वासा वॉज अ पावरफुल कर्स एंड दुष्यंत फॉरगॉट अबाउट शकुंतला। तो जो श्राप था जो दुर्वासा ने दिया था वो क्या था, वो बहुत ही पावरफुल कर्स था। इससे क्या हुआ, दुष्यंत जो था उसको उसने वो शकुंतला को भूल गया। शकुंतला केप्ट ऑन वेटिंग बट ही डिड नॉट कम। ठीक है, तो उसके बाद शकुंतला जो है वो बहुत वेट की, बहुत इंतज़ार करने लगी दुष्यंत ने कि अब आएगा, लेकिन दुष्यंत नहीं आया। वन डे शकुंतला वेंट टू द कैपिटल सिटी टू मीट दुष्यंत। थक हार के जो है शकुंतला एक दिन खुद ही कैपिटल सिटी चली गई, शहर के राज्य में चली गई, उस राज्य के शहर में चली गई जहाँ पे कि दुष्यंत रहता था उससे मिलने। ऑन द वे शी गॉट थर्स्टी। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी, वो बहुत प्यासी थी तो उसको प्यास लगी। शी सॉ अ रिवर, तो उसने क्या देखा, एक नदी देखी। एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर द वेडिंग रिंग फेल इन टू द रिवर एंड वॉज स्वॉलोड बाई अ फिश। तो वो जैसे ही उस नदी से पानी पीने गई, ठीक है, तो उसका जो वेडिंग रिंग था जो कि दुष्यंत ने शादी के टाइम पे दिया था वो उस पानी में गिर गया और जो है वो एक फिश था वो उसने उस अंगूठी को निगल लिया। द किंग डिड नॉट रिकग्नाइज शकुंतला व्हेन ही सॉ हर। ठीक है, अब जब वो दुष्यंत के पास गई तो दुष्यंत जो है शकुंतला को पहचान ही नहीं पाया। ठीक है, ही आज शकुंतला टू प्रूव हर आइडेंटिटी एंड देयर वॉज नथिंग दैट शी हैड विथ हर। दुष्यंत ने शकुंतला को बोला कि तुम कुछ निशानी दिखाओ जिससे कि मैं तुमको पहचान सकूं, लेकिन शकुंतला के पास तो कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए सिवाय उस अंगूठी के जो कि अब उसके पास नहीं थी। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड द किंग अबाउट द टाइम ही हैड स्पेंड विथ हर इन द फॉरेस्ट बट ही किड नॉट रिमेंबर एनीथिंग। वो जब उसने देखा कि उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो वो रोने लगी और उसने बोला कि उसने राजा को याद दिलाने की कोशिश की कि वो कैसे उस जंगल में गया था शिकार करने और वहाँ पे कैसे उसने अपना टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, लेकिन जो है राजा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। डिसअपॉइंटेड शी लेफ्ट द कैपिटल। थक हार के निराश हो के जो है शकुंतला वापस अपने आश्रम पहुंचने जाने लगी और वो जो है उसने कैपिटल को छोड़ दिया, उसने राज्य को छोड़ दिया। शकुंतला वॉज अशेम्ड ऑफ हर। अब शकुंतला जो थी वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो फिर से शी कुड नॉट रिटर्न टू कान्वा सो शी स्टार्टेड लिविंग इन अनादर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो है वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो वापस कान्व के पास अपने पिता के पास नहीं गई और उसने क्या किया, अब जंगल के एक दूसरे कोने पे अपना वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दी। विथ टाइम शी गेव बर्थ टू अ सन एंड नेम्ड हिम भारत। समय के साथ उसने एक लड़के को जन्म दिया, अपने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा भारत। वन डे अ फिशर मैन अप्रोच्ड किंग दुष्यंत। एक दिन क्या है कि एक मछुआरा राजा दुष्यंत के पास पहुंचता है। ही शोड अ रिंग टू द किंग एंड टोल्ड हिम हाउ ही हैड फाउंड इट इन द स्टमक ऑफ अ फिश। और उसने जो है वही वेडिंग रिंग जो था वो उसको दिखाया और बोला कि कैसे ये उसको एक मछली के पेट से मिला था। द कर्स वॉज ब्रोकन। इस तरह से जो है जो दुर्वासा का जो श्राप था वो टूट गया। बिकॉज द किंग सॉ द रिंग। ठीक है,
मतलब दुर्वासा ने बोला था कि ना कि वो अपनी कोई भी निशानी अगर उसको दिखाओगे तो वो फिर उसका जो श्राप है वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही उसने वो रिंग देखी तो उसका जो श्राप था वो टूट गया। हिज मेमोरी रिटर्न, अब उसकी यादें जो है वो याददाश्त जो है वो वापस आ गई थी। ही वॉज वेरी अपसेट, अब वो क्या है बहुत दुखी हो गया। ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सर्च फॉर शकुंतला, बट शकुंतला वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर वो वापस जंगल में गया शकुंतला को खोजने, लेकिन शकुंतला वहाँ पे नहीं रहती थी। डिसअपॉइंटेड ही केम बैक टू द कैपिटल, निराश होके वो क्या हुआ वो फिर से वापस अपने राज्य में आ गया। इस तरह से जो है बहुत से साल बीत गए, बट अब जो है अभी तक जो है दुष्यंत जो है शकुंतला को नहीं भूल पाया था। वन डे द किंग वंस अगेन वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक दिन फिर से क्या है बहुत साल बाद एक दिन फिर से राजा जो है शिकार के लिए जंगल गया। टू हिज एस्टोनिशमेंट ही सॉ अ बॉय प्लेइंग विथ लाइन कब्स। तो उस समय उस वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, बहुत ही सरप्राइज हो गया जब उसने एक बच्चे को जो है लाइन कब्स के साथ खेलते हुए पाया। लाइन्स का मतलब शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। द बॉय वॉज काउंटिंग द टिथ ऑफ वन ऑफ द कब्स बाय ओपनिंग इट्स माउथ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो जो बच्चा था वो शेर के बच्चों में से एक बच्चे का दांत गिन रहा था, उसके उसका मुंह खोल के उसका दांत गिन रहा था। द किंग वेंट टू द बॉय एंड आस्क अबाउट हिज पेरेंट्स। तो उसको ये देख के बहुत हैरानी हुई। ठीक है, राजा को, तो वो राजा फिर उसके उस बच्चे के पास गया, उस लड़की के पास गया और उसके पेरेंट्स के बारे में उससे पूछने लगा। द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। तो बॉय जो लड़का था वो उसने जवाब दिया कि वो किसका बेटा है, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है। दुष्यंत वॉज वेरी हैप्पी टू हैव फाउंड शकुंतला एंड आस्क द बॉय टू हिम टेक हिम टू हिज मदर। अब दुष्यंत जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसको आखिरकार जो है शकुंतला मिल ही गई। तो उसने उस बॉय को बोला, उस लड़के को बोला कि उसको वो अपनी माँ के पास उसे ले चले। तो फैमिली वॉज रीयूनाइटेड एंड दुष्यंत टुक शकुंतला एंड भारत टू हस्तिनापुर बैक विथ हिम। अब जो है उनकी जो फैमिली थी वो फिर से एक हो गई। दुष्यंत ने जो है शकुंतला और भारत को अपने साथ हस्तिनापुर वापस ले गया। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। होप आपको स्टोरी समझ में आया हो।